मधुबनी में भगवान के नाम पर जमकर बवाल हुआ, हालात बेकाबू हो गए और कई गाड़ियां फूंक दी गई। आप ये रिपोर्ट देखिए। जलता जेसीबी मशीन, धधकती पुलिस की गाड़ी और उग्र भीड़, ये नजारा है मधुबनी के बाबूबरही का, जहां बीती रात भगवान के नाम पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल कुछ दिन पहले बेला और कोचपुर पंचायत के बीच एक प्राचीन शिवलिंग की मूर्ति मिली थी, जिसे कोचपुर के ग्रामीण ने मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया। वहीं बेला के ग्रामीणों ने मूर्ति पर अपना दावा ठोका। अटैक आज 1 बजे रात में प्रशासन ने आया, शिवलिंग को उखाड़ के लेके चले गए। डीएसपी के गाड़ी से जो मांगे सौ पे मृत्यु हुआ, डीएसपी गाड़ी से हुआ। 20-25 फायरिंग भी हुई और तब तक ग्रामीण लोग जुटे थे, इसके बाद ये आग तक लगाई गाड़ी। बेला पंचायत के लोगों ने मूर्ति वापसी के लिए कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने मूर्ति को जब्त करने का फैसला लिया और पूरे दलबल के साथ कोचपुर पहुंची। लोगों को जैसे ही पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिली, लोग उग्र हो गए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस जीप सहित 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना में एक की मौत भी हुई। लोगों के गुस्से को देख पुलिस को भी बैरंग लौटना पड़ा। लाठी भी चार्ज हुआ है, फायरिंग भी हुआ, फायरिंग भी हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ। अरे जो एक आदमी की मौत हुआ, वो कैसे हुआ? गाड़ी चढ़ा दिया है, दो आदमी है, एक आदमी घायल है, वहाँ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है उसका। बहरहाल जिस शिव ने सृष्टि की रचना की, जिसने सुंदर दुनिया बनाई, उसी शिव के नाम पर समाज का माहौल बिगाड़ना, हिंसा करना कभी भी आस्था का रूप नहीं हो सकता। लोगों का ये उत्पात आस्था के नाम पर उद्दंडता है। अभिषेक, ईटीवी न्यूज, मधुबनी।